हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्थान, लर्न टू नो एंड नो टू लर्न। तो आज के इस लेक्चर में हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, विच इज सिंक्रोनस मशीन। तो इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए एसएससी जेई के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर इस सीरीज का पार्ट वन है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, ये कहता है द मैक्सिमम पावर डेवलप्ड बाय सिंक्रोनस मोटर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है, जिसमें पहला ऑप्शन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कपलिंग एंगल, यानी कि ये डेल्टा की बात कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है सप्लाई वोल्टेज, दैट मीन्स वी। तीसरा ऑप्शन है रोटर एक्साइटेशन, दैट मीन्स ई। चौथा ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। कहने का मतलब कि पावर डेवलप्ड बाय सिंक्रोनस मोटर डिपेंड्स ऑन सप्लाई वोल्टेज, रोटर एक्साइटेशन एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कपलिंग एंगल। दैट मीन्स पी डेवलप विल बी इक्वल टू ई वी अपॉन एक्सएस मल्टीप्लाई विद साइन डेल्टा। लेकिन पावर डेवलप्ड बाय सिंक्रोनस मोटर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। चाहे सिंक्रोनस मोटर क्लॉकवाइज में रोटेट करे या फिर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करे, मोटर में डेवलप्ड होने वाले पावर पे इसके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो हम ऑप्शन डी को मार्क करेंगे, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये कहता है इफ द फील्ड ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर इज अंडर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल बी व्हाट। यानी कि यदि एक सिंक्रोनस मोटर अंडर एक्साइटेड मोड में ऑपरेट कर रहा हो तो इसका पावर फैक्टर क्या होगा। तो इसके लिए हम सिंक्रोनस मोटर का इन्वर्टेड वी कर्व ड्रॉ करते हैं, विच इज ड्रॉन बिटवीन पावर फैक्टर एंड एक्साइटेशन। यहाँ से देखिए, दिस इज नॉमिनल एक्साइटेशन ई नॉट, और नॉमिनल एक्साइटेशन पे जो पावर फैक्टर की वैल्यू होती है दैट इज यूनिटी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। लेकिन यदि हम एक्साइटेशन को रिड्यूस करें, यानी कि सिंक्रोनस मोटर को यदि हम अंडर एक्साइटेड मोड में ऑपरेट कराएं, तो पावर फैक्टर लैगिंग हो जाता है, जबकि ओवर एक्साइटेड मोड में ऑपरेट कराने पर पावर फैक्टर लीडिंग हो जाता है। तो अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि यदि सिंक्रोनस मोटर अंडर एक्साइटेड मोड में हो तो पावर फैक्टर क्या होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिंक्रोनस मोटर यदि अंडर एक्साइटेड मोड में हो तो उसका पावर फैक्टर विल बिकम लैगिंग। सो ऑप्शन ए, यानी कि लैगिंग पावर फैक्टर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है द सिंक्रोनस मोटर इज नॉट इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा है कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है और इसकी वजह क्या है। तो आप ऑप्शंस को रीड करिए। ऑप्शन ए में कहता है There is no starting device to accelerate the rotor to near synchronous speed. Yes, this statement is correct. क्योंकि synchronous motor में कोई भी ऐसी device नहीं होती है जिसकी वजह से इसका rotor accelerate होके synchronous speed के आसपास पहुंच जाए, और यही वजह है कि synchronous motor self starting नहीं होता है। लेकिन हम synchronous motor के rotor पे damper winding placed करते हैं, इस डैम्पर वाइंडिंग को हम शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं, जिसकी वजह से इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो और यह लेंज लॉ के अकॉर्डिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को रोटेट करना शुरू कर दे। यानी कि डैम्पर वाइंडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने में। ओके, तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है इन अ सिंक्रोनस मोटर हंटिंग टेक्स प्लेस व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यानी कि सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग होने की वजह क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि व्हेन लोड वेरीज, जब सिंक्रोनस मोटर में कनेक्टेड लोड में सडन वेरिएशन आए तो उसकी वजह से सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग फिनोमेनन होता है, जिसकी वजह से इसका रोटर अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ऑसिलेट करता है,
इट मीन्स रोटर की स्पीड कभी सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाती है तो कभी रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम हो जाती है। रोटर के इसी ऑसिलेशंस को हम कहते हैं हंटिंग। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है द मेन एडवांटेज ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर ओवर वुन रोटर इंडक्शन मोटर इज वॉट। यानी कि वुन रोटर इंडक्शन मोटर के कंपैरिजन में सिंक्रोनस मोटर के क्या एडवांटेजेस हैं? तो आप ऑप्शंस को रीड करिए। ऑप्शन ए में कहता है सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर मे बी वैरिड। ऑप्शन बी में कहता है सिंक्रोनस मोटर की स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ सप्लाई फ्रिक्वेंसी। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर की स्पीड होती है ns विच इज इक्वल टू 120 f/p। यदि हम सप्लाई फ्रिक्वेंसी को वैरी कराएं तो इस मोटर का सिंक्रोनस स्पीड भी वैरी करेगा और जिसकी वजह से मोटर की स्पीड भी वैरी करेगी। ओके, तीसरा ऑप्शन कहता है इट्स स्पीड मे बी कंट्रोल्ड मोर इजिली। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो अब पहले ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन में कहता है सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर मे बी वैरिड। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि यदि हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो उसका पावर फैक्टर सिर्फ लैगिंग होता है, जबकि एक सिंक्रोनस मोटर लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर एंड यूनिटी पावर फैक्टर किसी भी तरह के पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर सकता है। यानी कि हम इसके पावर फैक्टर को वेरी करा सकते हैं। तो इसी वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि इट्स पावर फैक्टर मे बी वेरीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है इन अ सिंक्रोनस मोटर विद नॉर्मल वर्किंग कंडीशन इफ द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ द सिंक्रोनस मोटर गोज डाउन द पावर फैक्टर विल बी व्हाट। यानी कि क्वेश्चन में ये कहता है कि एक सिंक्रोनस मोटर नॉर्मल कंडीशन पे वर्क कर रहा है, यदि हम उसके अप्लाइड वोल्टेज को रिड्यूस कर दें तो उसके पावर फैक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से देखिए सिंक्रोनस मोटर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन पे ऑपरेट कर रहा है, इसका मतलब इसका एक्साइटेशन इज कांस्टेंट और इस मोटर में कनेक्टेड लोड भी फिक्स्ड है। यानी कि एक कांस्टेंट लोड इसमें कनेक्टेड है। कांस्टेंट लोड कनेक्टेड होने का मतलब है कि इस मोटर का इनपुट पावर कांस्टेंट होगा, साथ ही इसका आर्मेचर करंट भी कांस्टेंट होगा। तो एज वी नो पावर पी इज इक्वल टू VI cos φ। यहाँ से इनपुट पावर कांस्टेंट है, आर्मेचर का करंट कांस्टेंट है, तो यदि हम इसके वोल्टेज को रिड्यूस कर दें तो पावर फैक्टर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं द पावर फैक्टर विल इम्प्रूव, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है सिंक्रोनस मोटर कैन बी मेड सेल्फ स्टार्टिंग By providing which of the following? जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, इसीलिए हम सिंक्रोनस मोटर के रोटर में डैम्पर वाइंडिंग प्रोवाइड कराते हैं और इस डैम्पर वाइंडिंग को हम शॉर्ट सर्क्यूट करके रखते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि डैम्पर वाइंडिंग ऑन रोटर पोल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है अ सिंक्रोनस मोटर वर्किंग एट लीडिंग पावर फैक्टर कैन बी यूज एज विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि सिंक्रोनस मोटर यदि लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करे तो उसे हम किस तौर पे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लिखिए कि सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पे तभी वर्क करेगा जब इसका एक्साइटेशन नॉमिनल एक्साइटेशन से ज्यादा हो, यानी कि जब यह ओवर एक्साइटेड मोड में हो तभी यह लीडिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करता है और रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है, जिसकी वजह से ओवरऑल सिस्टम का पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है। और इसीलिए सिंक्रोनस मोटर जब लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा हो तो हम उसे कहते हैं पावर फैक्टर करेक्टर, क्योंकि ये ओवरऑल सिस्टम का पावर फैक्टर इम्प्रूव कर देता है। इसलिए ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है इन अ सिंक्रोनस मोटर हंटिंग अकर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग किस वजह से होता है, और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए कहता है ओवर एक्साइटेशन, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी कहता है ओवरलोडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी कहता है पेरियोडिक वेरिएशन ऑफ लोड, और ऑप्शन डी कहता है स्मॉल एंड कॉन्स्टेंट लोड। सो लास्ट ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज
कांस्टेंट लोड की वजह से सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग नहीं होता है, हंटिंग होने की वजह है सडन चेंज इन लोड। तो हम ऑप्शन सी को मार्क करेंगे, यानी कि पेरियोडिक वेरिएशन ऑफ लोड इज द मेन कॉज फॉर हंटिंग इन अ सिंक्रोनस मोटर। ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स द स्टेटर एंड रोटर फील्ड्स रोटेट साइमल्टेनियसली। यानी कि इनमें से कौन सा मोटर है जिसका रोटर फील्ड और स्टेटर फील्ड दोनों साइमल्टेनियसली रोटेट करता है। कहने का मतलब, यदि स्टेटर का फील्ड ns स्पीड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन कर रहा है तो रोटर का फील्ड भी सिंक्रोनस स्पीड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता हो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सिंक्रोनस मोटर, यानी कि ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें रोटर का फील्ड और स्टेटर का फील्ड दोनों ही सिंक्रोनस स्पीड से एक ही डायरेक्शन में रोटेट करता है। और यदि हमसे पूछे कि स्टेटर फील्ड और रोटर के फील्ड के बीच का रिलेटिव स्पीड क्या है, तो हम कहेंगे रिलेटिव स्पीड इज जीरो। यहाँ पर आप एक और पॉइंट नोट करिए कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भी स्टेटर का फील्ड और रोटर का फील्ड दोनों ही सेम डायरेक्शन में रोटेट करता है, और वहां भी इन दोनों फील्ड का रिलेटिव स्पीड जीरो होता है। तो यदि ऑप्शन में सिंक्रोनस मोटर ना हो, थ्री फेज इंडक्शन मोटर हो, तो आप इसे भी मार्क कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। ये कहता है, इन अ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर इफ द डायरेक्शन ऑफ इट्स फील्ड करंट इज रिवर्स देन व्हाट विल हैपन। यानी कि एक थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में यदि उसके फील्ड करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया जाए तो उस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए, दिस इज स्टेटर जिसमें हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं, एंड दिस इज रोटर जिसमें हम डीसी एक्साइटेशन देते हैं। तो इस डीसी एक्साइटेशन की वजह से रोटर में दो पोल क्रिएट होते हैं, सपोज दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल। और स्टेटर के थ्री फेज सप्लाई की वजह से स्टेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है जिसका रोटेशन लीडिंग फेज टू लैगिंग फेज की तरफ होता है। चूंकि स्टेटर में एक फील्ड रोटेट कर रहा है तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई पोल रहा होगा। तो लेट अस एज्यूम यहाँ पर स्टेटर का साउथ पोल रहा होगा और यहाँ पर स्टेटर का नॉर्थ पोल रहा होगा। नाउ स्टेटर का साउथ पोल और रोटर का नॉर्थ पोल ये एक दूसरे को लॉक कर लेते हैं, और साथ ही स्टेटर का नॉर्थ पोल और रोटर का साउथ पोल ये दोनों एक दूसरे को लॉक करते हैं, और इसी को कहते हैं हम मैग्नेटिक लॉकिंग। मैग्नेटिक लॉकिंग होने की वजह से जिस स्पीड पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है उसी स्पीड पे रोटर भी रोटेट करने लगता है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। चूंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड होती है, इसीलिए सिंक्रोनस मोटर का ये रोटर भी सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करने लग जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन में ये कहा है कि यदि फील्ड करंट का डायरेक्शन हम रिवर्स कर दें तो क्या होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यदि हम फील्ड करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो रोटर में जहाँ पे नॉर्थ पोल बनना था वहाँ अब नॉर्थ नहीं बनेगा, साउथ पोल बनेगा, और जहाँ रोटर में साउथ पोल बनना था वहाँ अब नॉर्थ पोल बनेगा, क्योंकि हमने फील्ड करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो यहाँ पे बनने वाले पोल्स भी रिवर्स हो जाएंगे। तो एज वी नो, स्टेटर का साउथ पोल और रोटर का साउथ पोल ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और साथ ही स्टेटर का नॉर्थ पोल रोटर का नॉर्थ पोल ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि रोटर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल रोटेट कर जाएगा, यानी कि स्लिप हो जाएगा, और फिर रोटर का नॉर्थ पोल यहाँ आ जाएगा और ये साउथ पोल यहाँ आ जाएगा, जिसकी वजह से रोटर पोल्स और स्टेटर पोल्स में लॉकिंग पॉसिबल हो जाएगा और सिंक्रोनस मोटर सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड पे यानी कि ns स्पीड पे रोटेट करते रहेगी। ओके, तो हम अब इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन डी में कहता है द मोटर कंटिन्यूज टू रन इन द सेम डायरेक्शन, सो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ये कहता है, इन अ सिंक्रोनस मोटर द रोटर कॉपर लॉस मेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसा कि हमें पता है कि इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर थ्री फेज एसी सप्लाई इज गिवन टू स्टेटर
जबकि डीसी सप्लाई इज गिवन टू रोटर। यहाँ पर रोटर कॉपर लॉस के लिए रोटर वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट रिस्पॉन्सिबल होगा, और हम जानते हैं कि रोटर वाइंडिंग में करंट फ्लो कराने के लिए हम रोटर वाइंडिंग को डीसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं। सो वी कैन से दैट रोटर कॉपर लॉस मेट बाय डीसी सोर्स, यानी कि ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, जबकि यदि हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो उसमें सिर्फ सिंगल सप्लाई दिया जाता है, विच इज थ्री फेज एसी सप्लाई। तो इसीलिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर के केस में रोटर का कॉपर लॉस हो या फिर स्टेटर कॉपर लॉस हो, बोथ आर मेट बाय थ्री फेज एसी सप्लाई। ओके, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ये कहता है द चेंज ऑफ डीसी एक्साइटेशन ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर चेंजेस विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि किसी सिंक्रोनस मोटर के डीसी एक्साइटेशन को यदि हम चेंज करें तो उससे क्या चेंज होगा। ऑप्शन ए में कहता है मोटर स्पीड, बी ऑप्शन कहता है अप्लाइड वोल्टेज ऑफ द मोटर, ऑप्शन सी कहता है पावर फैक्टर, और ऑप्शन डी में कहता है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सिंक्रोनस मोटर के यदि डीसी एक्साइटेशन को हम चेंज करें तो उसकी वजह से मोटर का पावर फैक्टर चेंज हो जाता है, जबकि मोटर की स्पीड चेंज नहीं होती है और ना ही मोटर का अप्लाइड वोल्टेज चेंज होता है। सो करेक्ट आंसर इज पावर फैक्टर। ओके, यहाँ आप सिंक्रोनस मोटर के इन्वर्टेड वी कर्व को भी देख लीजिए, विच इज पावर फैक्टर वर्सेस एक्साइटेशन। दिस इज नॉमिनल एक्साइटेशन, यहाँ पे पावर फैक्टर होता है यूनिटी। यदि हम डीसी एक्साइटेशन को चेंज करके यदि हम इस डीसी एक्साइटेशन को रिड्यूस कर दें, यानी कि एक्साइटेशन इज लेस देन नॉमिनल एक्साइटेशन, तो इसका पावर फैक्टर भी चेंज हो जाएगा और ये मोटर ऑपरेट करेगा एट लैगिंग पावर फैक्टर। जबकि यदि हम डीसी एक्साइटेशन को इंक्रीज कर दें, दैट इज एक्साइटेशन इज मोर देन नॉमिनल एक्साइटेशन, तो इस मोटर का पावर फैक्टर चेंज होके लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, ये कहता है द एडवांटेज ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन इज व्हाट। यानी कि सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर के स्टेशनरी होने का क्या एडवांटेज मिलता है, या फिर हम यूं कहें कि आर्मेचर को स्टेटर पे रखने का, या फिर हम यूं कहें कि आर्मेचर को स्टेटर पे रखने से हमें क्या एडवांटेज मिलता है। तो आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन ए कहता है रिड्यूसिंग नंबर ऑफ स्लिप रिंग्स ऑन द रोटर, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन बी कहता है डिफिकल्टी ऑफ प्रोवाइडिंग हाई वोल्टेज इंसुलेशन ऑन रोटर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी कहता है आर्मेचर इज एसोसिएटेड विद लार्ज पावर एज कम्पेयर टू द फील्ड सर्किट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कहने का मतलब कि यदि हम आर्मेचर को रोटर पे रखते तो हमें मोर नंबर ऑफ स्लिप रिंग्स की जरूरत होती, जबकि स्टेटर पे रखने से नंबर ऑफ स्लिप रिंग्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट यह है कि यदि हम आर्मेचर को रोटर पे रखते तो इसमें हाई वोल्टेज होने की वजह से इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती। तीसरा पॉइंट यह है कि आर्मेचर का पावर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फील्ड सर्किट का पावर, जिससे आर्मेचर की वाइंडिंग बल्की होती है, यानी कि उसका वेट ज्यादा होता है, और इसी वजह से आर्मेचर को हम स्टेटर पे रखना प्रेफर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, ये कहता है सिंक्रोनस मोटर स्पीड इज व्हाट। तो इसका आंसर होगा ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी कि ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर एक सिंगल स्पीड पे रन करती है और वो स्पीड है सिंक्रोनस स्पीड NS, विच इज इक्वल टू 120 F/P। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, ये कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड फ्लक्स इन अ थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन इज व्हाट। यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन के फील्ड फ्लक्स के मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा है। तो एज वी नो फील्ड फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट, और ये जो फील्ड करंट है ये डिपेंड करता है डीसी सप्लाई टू द रोटर। यानी कि यदि हम रोटर के डीसी सप्लाई को चेंज करेंगे तो इसकी वजह से फील्ड करंट भी चेंज होगा, और फील्ड करंट चेंज होने की वजह से फील्ड फ्लक्स का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। ओके, लेकिन ये फील्ड करंट लोड पर डिपेंड नहीं करता है,
ना ही पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है और ना ही स्पीड ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। ओके तो अब हम इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को रीड करेंगे। ऑप्शन ए में कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड फ्लक्स वेरीज विथ स्पीड, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑप्शन बी कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड फ्लक्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट ऑल लोड्स, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन सी कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड फ्लक्स वेरीज विथ पावर फैक्टर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन डी कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड फ्लक्स वेरीज विथ द लोड, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फाइनली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। ये कहता है इन अ सिंक्रोनस मोटर द मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ से बैक ईएमएफ इज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज इज इक्वल टू एक्साइटेशन वोल्टेज विच इज ई इक्वल टू रूट टू पाई एफ फाई एफ इन टू एन फेज। हेयर एफ इज द सप्लाई फ्रिक्वेंसी, फाई एफ इज द फील्ड फ्लक्स, एन फेज इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दिस वोल्टेज डिपेंड्स ऑन सप्लाई फ्रिक्वेंसी एंड फील्ड फ्लक्स। एज वी नो फील्ड फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन फील्ड करंट एंड फील्ड करंट डिपेंड्स अपॉन द डीसी एक्साइटेशन टू द रोटर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दिस वोल्टेज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड and also not dependent on load। तो अब आप options को देखिए। option A में कहता है कि it depends on speed of the motor, this statement is wrong। option B कहता है DC excitation only, this is correct। option C कहता है depends on load on the motor, this is also wrong। option D कहता है both speed and rotor flux, this is also wrong। so इस question का answer होगा DC excitation only, option B here is the correct answer। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। ये कहता है द आर्मेचर करंट ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर इज मिनिमम व्हेन ऑपरेटिंग एट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके लिए आप सिंक्रोनस मोटर का वी कर्व ड्रॉ करिए, विच इज आर्मेचर करंट वर्सेस एक्साइटेशन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आर्मेचर करंट की वैल्यू इस पॉइंट पर मिनिमम है और ये पॉइंट नॉमिनल एक्साइटेशन को शो करता है। एंड एज वी नो कि नॉमिनल एक्साइटेशन पे पावर फैक्टर विल बी यूनिटी, सो वी कैन से दैट आर्मेचर करंट ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर इज मिनिमम एट यूनिटी पावर फैक्टर। तो आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन ए में कहता है यूनिटी पावर फैक्टर, सो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। ये कहता है व्हेन द फील्ड सर्किट ऑफ एन अनलोडेड साइलेंट पोल सिंक्रोनस मोटर गेट्स सडनली ओपन सर्किटेड देन व्हाट विल हैपन। यानी कि एक सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर का फील्ड सर्किट यदि ओपन हो जाए तो क्या होगा। तो इसके लिए आप नोट करिए कि सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर का यदि फील्ड ओपन सर्किट हो जाए तो यह मोटर रिलक्टेंस मोटर बन जाता है एंड कंटिन्यू टू रन एट सिंक्रोनस स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। ओके यानी कि इसके फील्ड के ओपन हो जाने से यह मोटर स्टॉप नहीं होगा, ये सिंक्रोनस स्पीड पे कंटिन्यूस रोटेट करता रहेगा, लेकिन इस मोटर में डेवलप होने वाले टॉर्क की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि फील्ड के ओपन हो जाने से सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर में प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जीरो हो जाएगा और सिर्फ रिलक्टेंस टॉर्क इसमें बचेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल टॉर्क की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी लेकिन स्पीड सिंक्रोनस स्पीड ही रहेगी। ओके तो अब आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन सी में कहता है इट कंटिन्यूज टू रन एट द सेम स्पीड, सो ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। ये कहता है सिंक्रोनस मोटर शाफ्ट इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर होगा माइल्ड स्टील, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर का शाफ्ट माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। ये कहता है अ सिंक्रोनस मोटर हैज बेटर पावर फैक्टर देन एन इंडक्शन मोटर, दिस इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर इंडक्शन मोटर से बेटर होता है, तो आप बताइए कि इसकी वजह क्या है। एंड वी हैव फोर ऑप्शंस। ऑप्शन ए में कहता है स्टेटर सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन बी कहता है सिंक्रोनस मोटर हैज नो स्लिप, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन सी कहता है मैकेनिकल लोड ऑन द रोटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन डी कहता है सिंक्रोनस मोटर
हैज लार्ज एयर गैप, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब हम ऑप्शन ए को देखते हैं। ये कहता है कि स्टेटर सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए स्टेटर सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर में जो मेन फील्ड होता है उस फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हम रोटर में डीसी एक्साइटेशन देते हैं, जबकि इंडक्शन मोटर में डीसी एक्साइटेशन नहीं दिया जाता है। इंडक्शन मोटर के केस में सिर्फ 3 फेज एसी सप्लाई दिया जाता है स्टेटर को, जबकि सिंक्रोनस मोटर में वर्किंग फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए हम रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं और साथ ही स्टेटर को 3 फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। यहाँ आर्मेचर करंट के पावर फैक्टर को रोटर का एक्साइटेशन कंट्रोल करता है और जिसकी वजह से हमें वेरिएबल पावर फैक्टर मिल जाता है, और इसीलिए तो हम सिंक्रोनस मोटर को लैगिंग, लीडिंग या यूनिटी पावर फैक्टर पे भी ऑपरेट करा सकते हैं। ओके, जबकि 3 फेज इंडक्शन मोटर में इसके आर्मेचर करंट के पावर फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए कोई भी एक्साइटेशन गिवन नहीं होता है, जिसकी वजह से इंडक्शन मोटर सिर्फ लैगिंग पीएफ पे ऑपरेट करता है। तो अब आप क्वेश्चन पे आइए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्टेटर सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सफिशियंट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। ये कहता है द ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर टेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग करंट। तो जैसा कि हम जानते हैं, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट करता है लीडिंग पावर फैक्टर पे, और लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब है कि दिस मोटर विल टेक लीडिंग करंट फ्रॉम द सप्लाई। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में गिवेन है लीडिंग करंट, सो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। ये कहता है एट व्हाट कंडीशन सिंक्रोनस मोटर कैन बी यूज्ड एज अ सिंक्रोनस कैपेसिटर, यानी कि किस कंडीशन में सिंक्रोनस मोटर को हम सिंक्रोनस कैपेसिटर या फिर कहें तो सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ओवर एक्साइटेड मोड, क्योंकि ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड डिलीवर्स रिएक्टिव पावर टू द बस बार, बस बार को रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है, और इसीलिए हम इसे कहते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर या फिर सिंक्रोनस कैपेसिटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। ये कहता है सिंक्रोनस मोटर डू नॉट हैव सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉपर्टी बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप ऑप्शंस को रीड करिए। ऑप्शन ए कहता है स्टार्टिंग वाइंडिंग इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन द मशीन। ऑप्शन बी कहता है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स्ड। ऑप्शन सी कहता है द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस टॉर्क रिवर्सेस आफ्टर ईच हाफ साइकिल। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर में यदि हम डम्पर वाइंडिंग यूज ना करें तो उसके रोटर में प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क हाफ साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, जबकि नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और जिसकी वजह से नेट टॉर्क 0 हो जाता है और ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं हो पाता। सो ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये कहता है टू लिमिट द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ सिंक्रोनस मोटर इट शुड हैव प्रॉपर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एज वी नो ऑपरेटिंग टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन पावर लॉस इन द वाइंडिंग, दैट मीन्स आई स्क्वायर आर लॉस। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पावर लॉस डिपेंड्स अपॉन द करंट रेटिंग ऑफ द मशीन, सो टू लिमिट द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ सिंक्रोनस मोटर इट शुड हैव प्रॉपर करंट रेटिंग। सो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।